यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और सरकार पूरे देश को खुले में शौच मुक्त कराना चाहती है, पर इस मिशन के कर्मियों को वेतन तक के लाले पड़े हुए हैं। जी हां, हरदोई में देर रात स्वच्छ भारत मिशन के संविदा कर्मियों ने कई माह से मानदेय न मिलने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय के बाहर हंगामा किया और घंटों नारेबाजी करते रहे, पर अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रहेंगी और वो अपने कैबिन में बैठे रहे। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मियों के आने की भनक उन्हें लगी, अधिकारी गाड़ी में बैठकर चलते बने। वहीं दूसरी तरफ भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके संविदा कर्मी चिल्लाते रह गए। लोगों की सैलरी जो है मई तक की सैलरी अभी तक हम लोगों को नहीं मिली और 12-13 घंटे हम लोगों से काम कराया जा रहा है डेली। और सैलरी के बाद जब उन्होंने अपनी बात कही तो वो उन्होंने हंसी में उड़ा दी बात कि सैलरी तो देखा जाएगा बाद में। और काम के लिए हम लोगों को कभी ये नहीं कहा गया कि क्या नाम है कि काम 1-2 दिन का समय नहीं मिलता, यहाँ काम तुरंत कराया जाता है, 1 घंटे में बना के ले आओ। लेकिन हम लोगों की ना संडे की छुट्टी है ना कोई त्यौहार की छुट्टी मिलती है, 1-1.5 महीना लोग घर नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे छुट्टी मांगने पे छुट्टी कैंसिल कर दी गई, सारी छुट्टियाँ डीएम साहब द्वारा कैंसिल कर दी गई हैं। सर कहा गया कि स्वच्छ जब तक 2 अक्टूबर 2018 तक जब तक ओडीएफ नहीं हो जाएगा तब तक छुट्टी आप लोगों को नहीं मिलेगी।